हेलो फ्रेंड्स, आप सबका पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया। फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। द टर्म हॉर्टिकल्चर फर्स्ट अपीयर्ड इन रिटन लैंग्वेज इन द 17th century। हॉर्टिकल्चर की जो टर्म है वो 17th century में रिटन की गई है। द वर्ड हॉर्टिकल्चर इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड हॉर्ट एंड कल्चर। जो हॉर्टिकल्चर वर्ड है वो टू लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। हॉर्ट मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। तो हॉर्टिकल्चर को क्या कहेंगे हम? हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डन कल्टिवेशन। दस हॉर्टिकल्चर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर विच इज कंसिडर विथ कल्टिवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप। हॉर्टिकल्चर है वो किसके साथ कंसिडर होता है? तो एग्रीकल्चर में जो भी हम गार्डन क्रॉप करते हैं उसके साथ कंसिडर होता है। गार्डन क्रॉप्स ट्रेडिशनली इंक्लूड फ्रूट, वेजिटेबल एंड ऑल द प्लांट ग्रो फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज एज वेल एज स्पाइसिस, प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक पर्पज। गार्डन क्रॉप है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? तो फ्रूट है, वेजिटेबल है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, प्लांटेशन क्रॉप है, स्पाइस, वो सब कुछ हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। टू फाइंड आउट वे बाय विच हॉर्टिकल्चर क्रॉप कैन बी मेड टू यील्ड ऑप्टिमम बेनिफिट टू मैनकाइंड, दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड थ्रू। ऑब्जेक्टिव से किस प्रकार से बागवानी फसल यानी कि गार्डन क्रॉप से मैनकाइंड को क्या लाभ हो सकता है वो सब ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होता है। फर्स्ट देखेंगे द नॉलेज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट। तो हॉर्टिकल्चर के जो प्लांट है उसके बारे में भौगोलिक वितरण का ज्ञान। सेकंड है द सोर्स एंड यूजेस ऑफ सच प्लांट, देयर स्ट्रक्चर एंड मैनर ऑफ ग्रोथ। कुछ ऐसे पौधों के स्रोत और उपयोग की संरचना और विकास के तरीकों के बारे में। थर्ड है द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल ऑन देयर डेवलपमेंट। तो इसमें आता है कि प्लांट के जो ग्रोथ है उस पर जल, वायु और मिट्टी का प्रभाव कैसे पड़ता है उसके बारे में। फोर्थ है द मैनर, टाइम एंड डिग्री ऑफ प्रूनिंग देम, देयर डिसीज, पेस्ट एंड देयर कंट्रोल, एंड द मैनर ऑफ हार्वेस्टिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड यूजिंग द फिनिशिंग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम जो फील्ड में जो प्रोडक्ट होती है वो हार्वेस्ट करने के बाद इंडस्ट्री में जाती है, वहाँ बहुत सारी प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद वो बाज़ार में आती है, उनके रोग, कीटों और उनके नियंत्रण और फसल तैयार करने, भंडारण, परिवहन और तैयार उत्पादों का उपयोग करने का तरीका। तो ये हमने बात की ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांचेस है वो एग्ज़ाम में 100% आती है और ये इतनी हार्ड भी नहीं है, हमें इजीली याद रह जाएगी। फर्स्ट है ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर मीन्स इतना हमें याद रखना है कि वेजिटेबल कल्चर। अगर एग्ज़ाम में हमें बहुत प्रेशर है या फिर टाइम कम है और हमें कुछ याद नहीं आता तो सिर्फ इतना हम लिख सकते हैं कि ओलेरिकल्चर मीन्स स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। अगर हमारे पास टाइम है, हमें प्रॉपर लिखना है तो क्या है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। वेजिटेबल आर न्यूट्रिटिव फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन विच आर नॉर्मली कुकड बिफोर कंज्यूप्शन और ईटन रो एज सलाद। वेजिटेबल क्या है? तो वेजिटेबल वो है जो हम, कुछ वेजिटेबल है वो हम कुक करने के बाद खाते हैं, पकाने के बाद, और कुछ है जिसका हम सलाद के तरीके उपयोग करते हैं।
सलाद में कौन कौन से आते हैं, तो कैबेज है, टमेटो है, फेन्यूग्रीक है, फेन्यूग्रीक मीन्स मेथी होता है। सेकंड हम बात करेंगे पोमोलॉजी के बारे में। शॉर्ट में पोमोलॉजी मीन्स फ्रूट कल्चर, इतना हमें याद रखना है। पोमोलॉजी को शॉर्ट में हमें डेफिनेशन लिखनी है तो स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप, और प्रॉपर लिखनी है तो दिस ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर डील्स विथ स्टडी ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप कल्टिवेशन मैनेजमेंट एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ फ्रूट क्रॉप आर कवर्ड अंडर दिस ब्रांच। फ्रूट की बात आती है तो सबके मुंह में पानी आ जाता है, सबके फेवरेट फ्रूट होते हैं। तो इसमें एग्जांपल में फ्रूट लिखने हैं, मैंगो है, बनाना है, ग्रेप्स हैं, वाटरमेलन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। फ्लोरिकल्चर जैसा उसका नाम है वैसा ही वो उसके साथ कंसिडर होता है, फ्लोरी और फ्लावर। फ्लोरिकल्चर मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर। और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग क्या है, तो ऑर्नामेंटल प्लांट है उसके साथ कंसिडर होता है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर बात करें तो दिस ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर कवर फ्लावर क्रॉप एंड ऑर्नामेंटल प्लांट स्टडी ऑफ डिफरेंट फ्लावर। तो स्टडी ऑफ डिफरेंट फ्लावर क्रॉप एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स विथ रिफर्स टू देयर प्रोडक्शन एंड यूजेस। इट ऑल्सो इंक्लूड गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो रोजेस है, एस्टर है, लिली है, कैक्टस है, फैंस है, एट्सेट्रा। पर हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल के बारे में, तो फ्लोरिकल्चर मीन्स स्टडी ऑफ वेरियस फ्लावर क्रॉप और ऑर्नामेंटल में स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है। हमने ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में पढ़ा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रिजर्वेशन, स्टडी ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इज कवर्ड अंडर दिस ब्रांच। जो फील्ड में जो क्रॉप होती है उसको हम हार्वेस्ट करने के बाद फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री में जाती है, वहाँ पर प्रोसेस होती है, वहाँ पर प्रोसेस होने के बाद वो मार्केट में आती है और हम मार्केट में से अपने घर पे लाते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में इंक्लूड है। अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर्स विथ देयर स्टोरेज मार्केटिंग एंड प्रिजर्वेशन, कि फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है वो ज़्यादा दिन रहे तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसके लिए उसको प्रिजर्वेशन करना होता है। तो ये सारे के सारे प्रिजर्वेशन है वो किसके अंडर में आती है, तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। और प्रिपरेशन में क्या क्या होता है, तो जाम आता है, जेली आती है, केचप आता है, वो सब, ये सब का पहले क्या होता है, कैनिंग होता है। कैनिंग मीन्स डब्बाबंदी, डब्बे में या फिर पैकेट में उसे लॉक किया, सील किया जाता है और उसे प्रिजर्वेशन किया है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में हमने पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल प्लांट, ये सब डेफिनेशन पढ़ी। और भी कई डेफिनेशन है, जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप है, सिल्वीकल्चर है, एपिकल्चर है, मशरूम है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, प्लांटेशन क्रॉप, द साइंस ऑफ ग्रोइंग दोज क्रॉप विच हैव लॉन्ग बियरिंग एज कल्टिवेटेड बाय इंडिविजुअल और इंडस्ट्री एंड रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर कंजप्शन, एग्जाम्पल कोकोनट, कॉफ़ी, कोको, एरेका नट, टी, रबर, ऑयल पाम। प्लांटेशन क्रॉप किसे कहते हैं, तो ये तरह के प्लांट है जो लंबे समय तक जीने वाले आयु के हैं, व्यक्तिगत या उद्योगों द्वारा खेती की जाती है और पहले किसी प्रकार की प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, जैसे नारियल, कॉफ़ी, कोको, सुपारी, चाय। ये प्लांटेशन क्रॉप है वो सब क्या है, लॉन्ग बियरिंग एज है, जो ज़्यादा समय तक रहते हैं और उसकी प्रोसेसिंग भी बहुत ही कंजप्शन है। एंड देन लैंडस्केप गार्डन,
इट इज़ अ साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड लेइंग आउट होम गार्डन्स, पब्लिक गार्डन, पार्क, रोड साइड, प्लांटेशन, इवेन्यूज। लैंडस्केप गार्डन में क्या होता है कि जो रोड की दो साइड है, हमारे घर के आगे है, या फिर गार्डन में पब्लिक प्लेस में जहाँ पर खुली जगह है, जो एकदम बियरिंग पड़ी है, वहाँ पर पौधों को उगाया जाता है, उसे लैंडस्केप गार्डन कहते हैं। अब बात करते हैं स्पाइसेस और कंडीमेंट। द साइंस ऑफ ग्रोइंग दोज क्रॉप विच एड टेस्ट एंड फ्लेवर इन फूड स्टफ। एग्जाम्पल, स्पाइसेस में कार्डेमम, ब्लैक पेपर, क्लॉव, सिनेमन एट्सेट्रा। कंडीमेंट में जिंजर एंड ट्यूमेरिक। स्पाइसेस और कंडीमेंट किसे कहते हैं? जो खाद्य पदार्थ है उसमें स्वाद डालने के लिए जिस फसल को उगाया जाता है उसे स्पाइसेस और कंडीमेंट कहते हैं। आमतौर पे हम मरी मसाला भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, स्पाइसेस में है कार्डेमम यानी कि इलायची, ब्लैक पेपर यानी कि काली मरी, क्लोव यानी कि लौंग, सिनेमन यानी कि दालचीनी, और कंडीमेंट में आता है जिंजर और ट्यूमेरिक यानी अदरक और हल्दी। अब बात करते हैं एपिकल्चर के बारे में। एपिकल्चर यानी कि द साइंस ऑफ हनी बी रियरिंग इज कॉल्ड एपिकल्चर। हनी बी का जो रियरिंग करते हैं हम, हनी बी को जो उत्पादन करते हैं उससे हम जितना भी हनी कलेक्ट करते हैं वो सब आता है एपिकल्चर में। उसके बाद सिल्वीकल्चर, तो कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्री, एग्जाम्पल टीक वुड, नीम, फाइकस एट्सेट्रा। सिल्वीकल्चर में क्या होता है, जो फॉरेस्ट में जो जंगल में ट्री होती है उसका हम कल्टीवेशन और मैनेजमेंट करते हैं उसे सिल्वीकल्चर कहते हैं। ये बोथ है एपिकल्चर और सिल्वीकल्चर, ये मोस्ट आईएमपी है और एग्ज़ाम में आती है, और हम एग्ज़ाम के प्रेशर में या फिर बहुत ही एक्साइटमेंट में एपिकल्चर और सिल्वीकल्चर को उल्टा कर देते हैं। पर हमें ध्यान रखना है, एपिकल्चर साइंस ऑफ हनी बी एंड सिल्वीकल्चर कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। मशरूम हम सब ने देखा ही है, ग्रोइंग और कल्टीवेटिंग मशरूम, मशरूम के उत्पादन को कहते हैं मशरूम कल्टीवेशन। ओके, अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप ने क्या क्या अफेक्ट किया है। फर्स्ट है, वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया अलाउज ग्रोइंग डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इन डिफरेंट रीजन। हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में ग्रो करने की क्षमता धराते हैं। सेकंड हम बात करें तो इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड मोर स्कोप फॉर ग्रोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप। इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो पहले के समय में जो स्मॉल फार्मर थे, अभी भी स्मॉल फार्मर तो है पर अभी इतने इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो पहले से बेहतर है। पहले इरिगेशन का बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करता था, जब बरसात होती थी, बारिश आती थी तभी फार्मर अच्छे अपने प्रोडक्शन ले पाते थे, और अब इरिगेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है और इससे उसका स्कोप भी बहुत ही बड़ा है। थर्ड हम बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप विल प्रोवाइड कंजीनियल कंडीशन फॉर ग्रोइंग दिस क्रॉप। तो जो ये बागवानी फसल है उसके उत्पादन में तकनीकी जानकारी पहले के समय में फार्मर के पास नहीं थी। आप सबने केवीके के बारे में सुना होगा, केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र। उसका काम क्या है, तो वो फार्मर तक अपनी जानकारी पहुंचाता है। कैसे जानकारी, तो सीड कहाँ से खरीदना चाहिए, कैसे होने चाहिए, कब उसका सोइंग करना चाहिए, कब उसमें न्यूट्रिएंट डालना चाहिए, कब उसका हार्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी जानकारी केवीके से हमको पता चल सकती है। पहले केवीके
फर्स्ट केवीके कहाँ पर हुआ था? तो पांडिचेरी में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट। और उसके बाद 694 केवीके है। 2020 के नए रिकॉर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो अभी के केवीके की स्ट्रेंथ है 721। अगर हम स्पेसिफिक गुजरात की बात करें तो केवीके ऑफ गुजरात कम अंडर ATARI जोन 8 पुणे। ATARI का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। जो केवीके गुजरात के जो केवीके है वो जोन 8 में पुणे में आते हैं। तो ठीक है, हम ये बात कर रहे थे स्कोप के बारे में। तो केवीके से जो रूरल एरिया में जो फार्मर है उनके साथ कंसीडर होते हैं, वो उनके साथ जुड़े होते हैं और उनको माहिती पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप। अब कम्युनिकेशन फैसिलिटी में हम मोबाइल ले सकते हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम कृषि विज्ञान केंद्र या और भी एग्रीकल्चर की बहुत सारी एजेंसी है जिसमें हम फ़ोन के द्वारा ही हमारी जो परेशानी है उसका हल ढूंढ सकते हैं। और दूसरी बात है ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले के समय में फार्मर का प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा होता था, पर ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत ही फसल बिगड़ जाती थी। अब ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो ये भी एक अच्छा स्कोप है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ में, देयर इज़ अ स्कोप फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। अब हॉर्टिकल्चर की कई सारी प्रोडक्ट है जो इंडिया से बाहर भी जाती है और वो फ्रेश जाती है, ठीक है, और हम हमारे घर में भी फ्रेश और ताज़ा ही फ्रूट और वेजिटेबल लाते हैं। सिक्स है ग्रेटर डिमांड फॉर हॉर्टिकल्चर कमोडिटी इन लोकल मार्केट। जो लोकल यानी कि स्थानीय बाज़ार है उसमें हॉर्टिकल्चर की वस्तुओं की बहुत ही ज़्यादा मांग है। सेवन बात करें फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट हेल्प फार्मर टू रिप्लेस देयर ट्रेडिशनल क्रॉप विद हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो अब सरकार ने ये कुछ नए नियम भी बाहर जाहिर किए हैं जिसमें फार्मर है वो ट्रेडिशनल क्रॉप के साथ हॉर्टिकल्चर क्रॉप को रिप्लेस कर सकता है। एट है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोऑपरेटिव इन रूरल एरिया इंक्रीजिंग रिटर्न फ्रॉम दिस क्रॉप। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विविध सहकारी समितियों का विकास हुआ है। पहले के समय में इतने ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अब हर एक गांव में फैसिलिटी आ गई है, सहकारी समितियों का भी विकास हुआ है। तो ये सब कुछ स्कोप है, ये बहुत ही IMP है और एग्ज़ाम में भी आता है, तो हम सबको ये याद रखना है और ये हमें समझ के याद रखना है, ठीक है। हम सबसे पहले फिर से रिफ़र करें तो हम जानेंगे, हमको सिर्फ कंपेयर करना है पहले क्या था और अब क्या है, किस तरह से हॉर्टिकल्चर का स्कोप बढ़ा है। तो पहले हम कंडीशन की बात ले, फिर सेकंड में हम इरिगेशन की बात ले कि पहले इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी अब है। फिर हम बात करें कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन मोबाइल को सबको याद रहेगा ही। फिर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, फिर हम नॉलेज के बाद जो हमने केवीके के बारे में बात की वो सारी आएगी। फिर हम बात करें कि सबको ताज़ा और फ्रूट फ्रेश चाहिए, वो सब आएगा। फिर सेवन में आएगा कि फार्मर को, और लास्ट टॉपिक में आएगा कि सहकारी समितियों का विकास हुआ है। तो ये 8 टॉपिक है, उनको एक के बाद एक अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंस क्या है और उसका स्कोप क्या है। तो फर्स्ट है एज कंपेयर्ड टू फील्ड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप गिव मोर रिटर्न पर यूनिट एरिया, मोर यील्ड इन टर्म्स ऑफ व्हीट एंड मनी। हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप है वो
बाकी कई क्रॉप है, फील्ड क्रॉप है, उनके अलावा बहुत ही अच्छा रिटर्न हमको करता है। फील्ड क्रॉप अगर हमने फील्ड में, एक फील्ड में हमने फ्रूट या वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया और दूसरे फील्ड में वीट, बार्ली या पेडी और किसी का भी प्रोडक्शन किया, तो हमें उन दोनों में से सबसे ज़्यादा रिटर्न किससे मिलेगा? तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप से। सेकंड है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप आर इम्पॉर्टेंट एज देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज हाई, पर्टिकुलरली फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल टू अस। हॉर्टिकल्चर क्रॉप इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें फ्रूट और वेजिटेबल आते हैं, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल में न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत ही हाई होता है, यानी कि विटामिन और मिनरल, प्रोटीन, सब कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल में से बहुत ही अच्छा मिलता है। थर्ड इज है, हॉर्टिकल्चर इज इम्पॉर्टेंट एज इट ब्यूटिफुल्स इज थर्ड है हॉर्टिकल्चर इज इम्पॉर्टेंट एज इट ब्यूटिफाइज द सराउंडिंग। हॉर्टिकल्चर के जो भी क्रॉप है, हमने ऑर्चर्ड में या फिर पब्लिक प्लेस में या फिर हमारे फील्ड में और कई जगहों पे हमने अगर उगाए होंगे, तो वो आसपास की सारी जगहों को बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाता है, वो उसकी सौंदर्यता बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। फोर्थ है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप है वो छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी मित्र है। फिफ्थ है, द वेराइटी ऑफ क्रॉप आर अवेलेबल इन द हॉर्टिकल्चर सेक्शन विथ वाइड रेंज ऑफ यूजेस। हॉर्टिकल्चर के जो भी क्रॉप है, यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट है, उसमें वाइड सेक्शन के रेंज, उसके यूजेस है वो बहुत ही हाई है। हम एग्जांपल लें, अगर हम नींबू की बात करें, तो हम सबको पता है कि नींबू की एक ही जाति नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार के नींबू मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुए, उसकी अलग अलग यूजेस हुए। ऐसे ही हम बात करें अगर मिर्ची की, तो जो सबसे छोटी मिर्ची होती है वो बहुत ही तीखी होती है, और जो सबसे लंबी होती है उसमें उतनी तिखास नहीं होती, तो उसकी वो क्या हुई, अलग अलग यूजेस हुई, ठीक है। अब हम बात करें वीट के बारे में, तो वीट को 496 यानी कि 496 गौ जो हम सब खाते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, और लोकन जो लोकल वेराइटी है वीट की, वो हम खाने में यूज़ नहीं करते। तो हॉर्टिकल्चर की ये जो वेरियस क्रॉप है वो बहुत ही उसके, जैसे हम कैबेज की बात करें तो कैबेज सिर्फ ग्रीन ही नहीं होता, अभी तो कैबेज पर्पल भी मिलता है। ऐसे भी बहुत कई फ्रूट और वेजिटेबल है जो अपने यूजेस बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये फिफ्थ पॉइंट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सबको ये याद रखना है कि वेराइटी ऑफ क्रॉप आर अवेलेबल इन द हॉर्टिकल्चर सेक्शन विथ वाइड रेंज ऑफ यूजेस, वो अलग अलग यूजेस के साथ हॉर्टिकल्चर क्रॉप हमको मिलते हैं, तो उससे हमारा रिटर्न भी बहुत ही अच्छा होता है। सिक्स पॉइंट है, हॉर्टिकल्चरल प्लांट इम्प्रूव एनवायरमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, कंजर्व सॉइल एंड वाटर एंड इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फार्मर। तो हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप है उसको हम उगाने से इन्वायरमेंट का जो रिड्यूस है, जो पॉल्यूशन है, उसे कम कर सकते हैं। सॉइल और वाटर है उसका कंजर्वन, यानी कि उसका संरक्षण भी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और हमने आगे देखा कि उसका जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनका पर यूनिट एकड़ में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मिलता है, तो फार्मर का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत ही हाई होता है। तो हमने ये सब बात की इम्पोर्टेंस के बारे में। हम पहले से अगर रेफर करें तो सबसे पहले क्या आया कि उसका प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक रिटर्न देती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप। फिर सेकंड में आया कि हमें प्रोटीन, विटामिन या फिर और भी कई मिनरल है वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। फिर थर्ड आया कि वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है आसपास की सारी जगहों को भी ब्यूटीफुल कर देती है। फिर फोर्थ में आया कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, और फिफ्थ में आया
की वाइड रेंज ऑफ यूजेस अलग अलग यूजेस में मिलती है। और 6 में हमने देखा कि एनवायरनमेंट, सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन करती है। तो ये सब हमने बात की हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो उसमें क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल इन द बैलेंस्ड डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी रिच फूड एंड वाइटल प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। फ्रूट और वेजिटेबल क्या है, तो ह्यूमन के डाइट को बैलेंस करने में बहुत ही ज़रूरी है। वो उनमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है, इससे मनुष्य को बहुत ही अच्छा होता है। किसान फ्रूट और वेजिटेबल है वो मनुष्य को पोषक तत्व प्रदान करके संतुलन आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है, दे नॉट ओनली एड ऑन द टेबल बट ऑल्सो इन रिच हेल्थ फ्रॉम द मोस्ट न्यूट्रिटिव मेनू एंड टर्न अप टू द एनर्जी एंड विगर ऑफ मैन। ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो सिर्फ टेबल को यानी कि मेज को सुशोभित करने के लिए नहीं होता, पर उससे मनुष्य को एनर्जी मिलती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में हम सब जानते हैं कि बहुत ही न्यूट्रिएंट होते हैं। कुछ वेजिटेबल है जो हम पका के बाद खाते हैं, कुछ वेजिटेबल है जिनको हम सलाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट और जो वेजिटेबल है वो बहुत ही ऊर्जा और शक्ति मनुष्य को प्रदान करते हैं। उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव अ की रोल इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैटी फूड। हम सबको पता है अभी के समय में बहुत ही हैवी फूड मिलता है, पिज़्ज़ा और बर्गर लाइक। तो ऐसे फूड को हम खाते हैं, फिर हमारे जो जठर में, हम सब ने 12th में पढ़ाई है कि हमारे जठर में पाचन शक्ति के लिए एसिड का स्त्राव होता है। ये एसिड का स्त्राव कई बार बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद है, फ्रॉम यूनिट आर ऑफ लैंड मोर इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप। वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप को हम उगाते हैं तो हमें इनकम बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, ये तो हमने आगे बात की। उसके बाद है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम सबको ये याद रखना है और ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है मल्टीपल क्वेश्चन में। फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू द फ्रूट क्रॉप गिव वेरी हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी पर एकर। एग्जाम्पल व्हीट 10,34,880 कैलोरी पर एकर और बनाना 1,52,52,800 कैलोरी पर एकर। हैंस इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ फूड शॉर्टेज एंड लैंड स्केरेसिटी वी कैन प्रोड्यूस मोर फूड इन लिमिटेड एरिया बाय ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल। हम अगर बात करें तो व्हीट और बनाना का पर एकर कैलोरी पर एकर में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए खाद्य की कमी और जो भूमि की कमी है वो वर्तमान स्थिति में फ्रूट एंड वेजिटेबल उगाकर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकती है। हॉर्टिकल्चर फार्मिंग इज मदर ऑफ सेवरल इंडस्ट्री लाइक कैनिंग, एसेंशियल ऑयल, डिहाइड्रेशन, रेफ्रिजरेशन, वाइन, कैश्यूनट, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा विच प्रोवाइड वर्क फॉर मैनी पीपल। हॉर्टिकल्चर है वो कई सारी इंडस्ट्री की माँ है। क्यों उसे माँ कहते हैं, क्योंकि वो कई ऐसी इंडस्ट्री जैसे कि डब्बाबंदी है, फिर आवश्यक तेल है, फिर डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण कहते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के कई कामों में बहुत ही मनुष्य को काम प्रदान करती है। और लास्ट है, फार्मर एंड हिज लेबर कैन कीप देमसेल्व्स इंगेज्ड बिजी थ्रू आउट ईयर। किसान और उसके मजदूर है वो साल भर खुद को व्यस्त रख सकते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, ठीक है। तो ये हमने बात की इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये बहुत ही दोनों टॉपिक बहुत ही IMP है और एग्जाम में भी कई